हेलो दोस्तों, कार एंड ट्रैक सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी अभी अपनी गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स डलवा कर आ रहा हूं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलॉय व्हील के प्राइस की, क्या प्राइस पड़ा मुझे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अलॉय व्हील भी गाड़ी में डाले हुए कैसे लगते हैं और कौन सा ब्रांड जो अच्छा है और इनकी कॉस्ट जो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साइज के बारे में बता दूं कि गाड़ी के जो अलॉय व्हील का साइज है वो मैंने 13 इंची रखा है, क्योंकि जो रिम का साइज है वो भी 13 इंची था, जिसकी वजह से मुझे टायर जो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं 14 इंच अलॉय व्हील डलवाता तो उसके लिए मुझे टायर भी चेंज करने पड़ते और उससे जो कॉस्ट है जो 10,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता मुझे टायर चेंज के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो प्राइस की। प्राइस दोस्तों मेरे 16,000 रुपए टोटल मैंने जो पे किया है अलॉय व्हील्स के लिए, जिसमें फिटिंग और बैलेंसिंग इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ मैंने दोस्तों जो व्हील कैप्स और रिम है वो एक्सचेंज नहीं किए, वो मैं अपने साथ अपने घर ले आया, क्योंकि उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए बाद में हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांड पैन कौन सा है अलॉय व्हील का। दोस्तों, अलॉय व्हील का जो ब्रांड है वो प्लाटी है। इसके बिना अगर आप 3 होल्स में आपको अलॉय व्हील चाहिए क्विड के, तो आपको जी मैक्स और नियो के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने प्लाटी इसलिए चूज किया क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है कोई एक आधे अलॉय व्हील की एक्स्ट्रा, जैसे ब्रेक हो जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए मुझे प्लाटी का इजीली अलॉय व्हील स्टॉक में अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम जी मैक्स और नियो को चूज करते हैं, हम एक बार तो 4 अलॉय व्हील डलवा लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें इमरजेंसी में कोई अलॉय व्हील की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हमें जो जी मैक्स और नियो का अलॉय व्हील मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने प्लाटी को चूज किया। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे परफॉर्मेंस में फर्क लग रहा है, जो पिकअप है थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि जो अलॉय व्हील्स होते हैं लाइट वेट होते हैं, लेकिन मैंने जो दोनों अलॉय व्हील और रिम का वेट किया था, लेकिन मुझे सेम ही लगा, जो रिम है थोड़े हैवी लग रहे थे, लेकिन ड्राइविंग करते वक्त मुझे, अभी मैंने 70 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया है, अलॉय व्हील्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। माइलेज का अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन पिकअप का जो मैंने अभी टेस्ट किया एक दो बार, जो लेकिन जो पिकअप है मुझे पहले से ज्यादा लग रही है थोड़ी, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है पहले से बेटर लग रही है। तो मुझे लगता है अलॉय व्हील्स के लिए दोस्तों सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों अलॉय व्हील देखते हैं गाड़ी को साइड पर लगाकर कि कैसे जो लगते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने गाड़ी की जो अलॉय व्हील्स है उनकी डिटेल तो जान ली, क्या प्राइस है, क्या साइज है, टायर चेंज किए हैं या नहीं, और कौन सा ब्रांड अच्छा रहता है। अब देख लीजिए एक गाड़ी की लुक, की अलॉय व्हील डालने से गाड़ी की लुक कैसी लग रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो अलॉय व्हील के साथ टायर हैं, ये स्टॉक टायर हैं, टायर को चेंज नहीं किया गया, तो अभी एकदम न्यू लुक आ गई है गाड़ी की। जो अलॉय व्हील डालने से टायर हैं वो भी थोड़े वाइडर लगने लगे हैं पहले से। तो दोस्तों, रियर में ये देखिए लोगो को ब्लैक किया गया है। इसकी वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं की कि कैसे मैंने इसे ब्लैक किया है। असल में मैंने भी एक YouTube पर वीडियो देखी थी व्हाइट क्विड की और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने भी इसे ब्लैक कर लिया, लेकिन कैसे किया इसकी वीडियो जो अभी अपलोड नहीं की है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ब्लैक लोगो आपको कैसा लग रहा है। जल्द ही मैं इसकी जो वीडियो डिटेल में डालूंगा कि कैसे आपको इसे ब्लैक करना है, नहीं तो आप दोस्तों वो व्हाइट क्विड जिसे मैंने देखकर ये वीडियो अपना जो लोगो है ब्लैक किया है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक है जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि जो अलॉय व्हील्स हैं आपको कैसे लगे। अभी ये क्लोजर लुक आप ले लीजिए यहां से, ये देखिए पास से आप देखिए जेके टायर्स यहां पर लिखा गया है जो कि स्टॉक टायर्स हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी और अलॉय व्हील कैसे लगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।